हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। बहुत दिनों बाद हमारी आस्क द एक्सपर्ट की सीरीज जो है उसका वीडियो दोबारा से बन रहा है, और जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं ये हैं डॉक्टर रॉबिन विक्टर। डॉक्टर रॉबिन विक्टर जो है ये एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हैं, हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकियाट्री डिपार्टमेंट में। सो डॉक्टर रॉबिन विक्टर, वेलकम टू माइंड योर बॉडी। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 30 जनवरी 2020 में COVID-19 जो है उसको WHO ने इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। तो अभी सारे दुनिया में हर कोई परेशान हो रहा है COVID-19 से। कोविड में शारीरिक समस्याएं तो हो ही रही हैं, पर उसके साथ साथ मानसिक समस्याएं भी बहुत बढ़ गई हैं। तो हम आज उस बारे में बात करने वाले हैं, कोविड से रिलेटेड मानसिक समस्याओं के बारे में, अपने एक्सपर्ट डॉक्टर रॉबिन से। डॉक्टर रॉबिन, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि हम भी देख रहे हैं कि कोविड के टाइम पे, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से मानसिक समस्याएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं लोगों में। तो इसका क्या कारण है कि इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों लोगों में मानसिक समस्याएं ज्यादा दिख रही हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड की जैसे दो वेव्स आ चुकी है और अभी थर्ड वेव आने वाली है। दो वेव्स में अराउंड 3 करोड़ लोग हैं जिनको कोविड हो चुका है, एंड 4.5 लाख लोग हैं जो कोविड, जिनकी कोविड से डेथ हो गई है। और थर्ड वेव को लेके अभी भी बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। कोई वैज्ञानिक, कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि अगले 3 से 4 हफ्तों में थर्ड वेव आ जाएगी, कोई कह रहा है कि थर्ड वेव आएगी पर इतनी सीवियर नहीं होगी, कोई कह रहा है कि थर्ड वेव बहुत सीवियर होगी, बच्चों को अफेक्ट करेगी। तो इस अनिश्चितता के माहौल में जो है मानसिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड जो मेन फैक्टर्स है, देखिए लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, मेन फैक्टर्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि इन मानसिक समस्याओं को बढ़ाता है वो है COVID-19 का वायरस इटसेल्फ। COVID-19 का वायरस ना सिर्फ आपके शारीरिक सिस्टम को बल्कि आपके मानसिक सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारे रसायन होते हैं जिनमें गड़बड़ी आने से वो मानसिक समस्याओं को कॉज करता है। सेकेंडली जो है, जैसे लॉकडाउन लगता है या फिर आपका सोशल डिस्टेंसिंग होती है, तो देखिए इंसान जो है एक सोशल एनिमल है और उसको सोसाइटी में रहने की आदत है। तो जब एक लॉकडाउन लग जाता है या फिर आपकी सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है तो वो आइसोलेट हो जाता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो दूसरी सिटीज में है या फिर जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अपना घर बार छोड़ के, गाँव छोड़ के अलग जगह पर रह रहे हैं, तो वो सबसे कट ऑफ हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी में बाहर नहीं निकल पाते, लोगों से नहीं मिल पाते। तो ये आइसोलेशन, लोनलीनेस, डिस्टेंसिंग, ये मानसिक समस्याओं को बढ़ाता है। थर्ड फैक्टर है मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन। अभी जैसा हमने देखा था, सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत सारी डेथ्स हुई, और अगर आपने मीडिया में देखा होगा तो खासकर नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा गया। मतलब आपकी डेड बॉडीज दिखाई जा रही हैं, लोग मरते हुए दिखाए जा रहे हैं, लोग बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के तड़पते हुए दिखाए जा रहे हैं। इसका हमारी मानसिक सोच पर असर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि इसमें सारा काम जो है बंद हो जाता है, सिर्फ एसेंशियल वर्क ही चालू रहता है, तो काफ़ी जो है लोगों की आमदनी अफेक्ट होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, और जब पैसे की किल्लत होती है तो मानसिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स थे। और एक और फैक्टर है बर्नआउट। बर्नआउट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेनली एसेंशियल वर्क स्टार्ट रहता है, तो एसेंशियल वर्कर्स जो होते हैं, एसेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स हो या एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स हो, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, नॉर्मल से 2 या 3 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर उनके कॉलीग्स भी कोविड से अफेक्टेड होते हैं तो उनका भी काम उन्हें संभालना पड़ता है। तो ये बर्नआउट की वजह से भी मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कोविड के दौरान। तो ये सब कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मानसिक समस्याएं बढ़ती हैं कोविड में। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको बहुत स्ट्रेस हो गया है कोविड के बाद से, चाहे उनको कोविड हुआ है, कोविड के डर से हो गया है कि कोविड हो जाएगा, या फिर कोविड हो चुका है और फिर भी उन्हें डर लग रहा है, उन्हें स्ट्रेस हो रहा है। तो हम जैसे कि हमसे सुनते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बट ऐसे सोचा जाए तो ऐसा लगता नहीं कि डायरेक्ट लिंक क्या होगा स्ट्रेस और इम्यूनिटी के बीच में। तो मतलब ऐसा कोई लिंक है डायरेक्ट कि स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी भी कम हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल लिंक है। और कैसा लिंक है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी आप स्ट्रेस आपकी लाइफ में होता है या आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो हमारी बॉडी में 2 सिस्टम्स होते हैं, एक होता है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। तो इन दोनों के तालमेल से, इन दोनों सिस्टम्स के तालमेल से आपकी बॉडी ये निश्चित करती है कि आप स्ट्रेस को कैसे डील करोगे। अब होता क्या है, जब हम कोई भी स्ट्रेस में जाते हैं, चाहे कोविड हमें हो गया है या कोविड की न्यूज़ सुन ली या किसी को आसपास में कोविड हो गया या और कोई स्ट्रेस, जो मैंने फैक्टर सारे बताए हैं उनमें से कोई भी फैक्टर अगर होता है, तो ये सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और इसमें डिसबैलेंस आता है। ये जो है आपके जाके ल्यूकोसाइट या आपके जो WBC हैं, जो आपकी एंटीबॉडी बनाते हैं कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उसको अफेक्ट करते हैं। तो अगर इसमें गड़बड़ी आएगी
तो आपके WBC अफेक्ट होंगे, आपके बी सेल और टी सेल अफेक्ट होंगे, तो आगे जाके आपकी इम्यूनिटी खराब होगी। सेकेंडली, हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं HPA सिस्टम। ओके, HPA सिस्टम मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ये बहुत सारे न्यूरो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं हमारी बॉडी से, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो इन हार्मोन्स की मात्रा गड़बड़ा जाती है, और ये आगे जाके WBC के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो कि आगे एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इस HPA एक्सिस में गड़बड़ी स्ट्रेस के दौरान से जो होती है उसकी वजह से भी इम्यूनिटी गड़बड़ा जाती है। थर्ड फैक्टर क्या होता है, देखिए, एक होता है सिकनेस बिहेवियर। मान लीजिए आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज होगी आप सोना कम कर दोगे, खाना पीना बंद कर दोगे। ठीक है, आप अक्सर जैसे मरीज कहते हैं कि स्ट्रेस कम करने के लिए मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, नशा करना शुरू कर दिया, स्मोकिंग शुरू कर दी, तो ये सारी चीजें आपको फिजिकली कमजोर बनाएंगी, और अगर आप फिजिकली कमजोर है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस से इम्यूनिटी कम हो जाती है। बहुत सारे आपने रीजंस बताए जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपने बताया। जैसे हम तो सबसे ज्यादा नॉर्मली, मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस के बारे में सुनती हूँ, बट उसके अलावा कौन कौन सी और बीमारियां हैं मानसिक जो कि बढ़ गई हैं इस कोविड के टाइम में? देखिए, कोविड की वजह से जो मेन ग्रुप जो अफेक्ट होता है वो एक तो आम जनता है जो कि न्यूज देख रही है, जिसको कोविड के बारे में जानकारी नहीं है। सेकेंड, कोविड का मरीज, उसको भी मानसिक प्रॉब्लम आती है। थर्ड होता है उसके तीमारदार या उसके रिश्तेदार जिनका पेशेंट अंदर कोविड हॉस्पिटल में, उनको कुछ खबर नहीं मिल रही है कि क्या हो रहा है। तो जो इन सबको क्लब करके जो कॉमन मानसिक समस्याएं आ रही हैं, जो देखी जा रही हैं आजकल, वो है सबसे बड़ी है उसमें एंग्जाइटी, या जिसको हम घबराहट या बेचैनी बोलते हैं, जिसके कॉमन लक्षण होते हैं घबराहट होना, बेचैनी होना, हाथ पैर का कांपना और दिल की धड़कनें बढ़ना, नेगेटिव ख्याल आना। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन इलनेस देखी जा रही है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन या जिसको हम अवसाद बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव ख्याल आना, आत्मविश्वास की कमी होना, अपने आप को मारने का ख्याल आना, ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, एक OCD नाम की बीमारी है जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। देखिए, कोविड का जो वायरस है ये छूने से फैलता है। ठीक है, तो लोगों के अंदर ये डर बैठ गया कि हम बाहर जाएंगे, किसी चीज़ को छू दिया तो वायरस हमें टच कर जाएगा, हमारी बॉडी से, फिर हमारे हाथों से हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो लोग एक्सेसिवली हाथ धोते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, एक एक चीज़ को बार बार साफ करते हैं, इतना साफ करते हैं कि उससे उनको खुद को, उनके बाकी लोगों को घर में जो है उनको परेशानी महसूस होती है। तो ये एक ही चीज़ को बार बार करना, ठीक है, एक ही विचार मन में बार बार आना, इसको हम OCD बोलते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। चौथी प्रॉब्लम होती है PTSD, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। देखिए, अगर किसी के साथ कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई पेशेंट है कोविड से मर गया, या आपके आसपास में कोई दोस्त है, कोई जानकार है जिसकी कोविड से डेथ हो गई है, तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। तो ये आपकी मेमोरी पे ऐसे इफेक्ट करता है कि आपको बार बार वही चीज़ें याद आती हैं, आपको नाइटमेयर्स होते हैं, भयानक सपने आते हैं, आपका शरीर सुन पड़ जाता है, एंग्जाइटी होती है आपको, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण हैं। उसके अलावा आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, जिससे 10 से 15 मिनट के लिए इतनी भयानक एंग्जाइटी होती है कि इंसान को लगता है कि वो मर सकता है। तो ये जब पैनिक के अटैक्स पड़ते हैं, एंग्जाइटी के अटैक्स पड़ते हैं, इसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके अलावा, जैसे मैंने बोला, लोग अक्सर नशे का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए, तो जो है आपका सब्सटेंस यूज भी बढ़ जाता है कोविड के टाइम। और लास्टली आपका बर्नआउट स्पेशली जो आपके एसेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें देखा गया है, क्योंकि उन पर काम का लोड पड़ जाता है, तो ना केवल शारीरिक बट मानसिक थकावट होती है। बर्नआउट बेसिकली मीन्स थकावट, तो उनको उस चीज़ की थकावट होती है और उससे उनका स्ट्रेस पड़ जाता है। तो ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो हमें देखने को मिली हैं कोविड के टाइम में। बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है, जैसे कि मुझे समझ आ रहा है जो कि उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी रिलेटेड लग रहा है, तो हम ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो है हमारा स्ट्रेस कम हो? डेली लाइफ में हम ऐसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि हमारा डेली लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाए? देखिए, स्ट्रेस कम करने के लिए एक जो मैकेनिज्म होता है उसका नाम है कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो आपको किसी भी तरह के स्ट्रेस को सामना करने में हेल्प करती है। तो कुछ जनरल कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे 7-8 घंटे की नींद लेनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, कम से कम हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका हार्ट रेट 120 से ऊपर जाए, बट बशर्ते कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैडम की बहुत सारी वीडियोज़ हैं एक्सरसाइज के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं, मैं उनको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, JPMR है जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, तो उनको आप करिए। उसके अलावा अपनी नींद प्रॉपर रखिए, दिन में 3 टाइम पौष्टिक खाना खाइए, ठीक है, और अपनी दिनचर्या का एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपका एक लाइफस्टाइल सेट होता है, आपकी एक रूटीन सेट होता है। अब अचानक से लॉकडाउन हुआ, आप घर में बैठ गए, आपका पूरा रूटीन गड़बड़ा गया, तो
कोशिश कीजिए रोज रूटीन बनाइए अपना और कुछ दिनों बाद उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए ताकि आप बोर ना हो। ये हो गए जनरल कोपिंग। नेक्स्ट होते हैं इमोशनल कोपिंग। इमोशनल कोपिंग में बेसिकली आपने क्या करना है कि जो आपके लव्ड वंस हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है उनके साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आप दूर रहते हैं तो उनको फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, वर्चुअल कम्युनिकेशन के थ्रू उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहिए। देन सेल्फ अवेयरनेस, आप आत्म जागरूक होइए, अपने इमोशंस को पहचानिए कि अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि आप आइसोलेट मत होइए। जैसे मैंने बोला था इंसान है सोशल एनिमल है, तो आइसोलेट मत होइए। जहाँ मौका मिले किसी से बात कर लो, किसी को सपोर्ट कर लो, किसी की हेल्प कर लो, तो उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक अच्छी फीलिंग आती है दूसरों की हेल्प करने से। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंटल कोपिंग। एनवायरमेंटल कोपिंग में बेसिकली आपको अपने जो सराउंडिंग वातावरण है उसको क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, ताकि आप अगर आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगे वहाँ से। अगर आपका घर में सामान बिखरा हुआ है तो उस कमरे में जाके आपको एक नेगेटिविटी लगेगी, और वो चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपको लग रहा है कि इस एनवायरनमेंट को मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ और इस एनवायरनमेंट में काफ़ी नेगेटिविटी है, तो कोशिश कीजिए उस एनवायरनमेंट से थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले। इसके अलावा कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज है जैसे कि सोशल मीडिया से कैसे बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आपने कैसे डील करना है। फर्स्टली एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फिल्टर। तो ये फिल्टरिंग क्या होती है, आपने अपना टाइम फिक्स कर लेना है कि मैंने 1 से 2 घंटा ही न्यूज़ देखनी है, उसके अलावा नहीं देखनी है। सेकंड है रीड थ्रू द हेडलाइंस। मतलब देखिए आजकल क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर में बहुत ही धमाकेदार हेडलाइंस आती है, बहुत ही खतरनाक हेडलाइंस आती हैं जिससे आपका अटेंशन उस तरफ जाए, बट जब आप अंदर पढ़ते हो तो ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ होती नहीं है, ठीक है। तो पूरी हेडलाइन मतलब सिर्फ हेडलाइन मत पढ़िए, पूरी न्यूज़ पढ़िए। देन अगेन एक चीज़ है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड मत कीजिए। अक्सर हम ये देखते हैं व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम बिना उनकी जांच पड़ताल के उनको मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो एक लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन का एक जाल बन जाता है, तो उससे आपको बचाना है लोगों को, तो ये चीज़ करनी है आपने। उसके अलावा बेसिक चीज़ है कि अपना सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को पहचानो, अपनी बॉडी को पहचानो। अगर आपको लगे कि आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, आप जनरल जो आपके लाइफस्टाइल है उससे नीचे जा रहे हो, आपके अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, तो आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ से मिलिए। ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑफलाइन मिल सकते हैं, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसपे आप डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी बीमारी जल्दी पकड़ी जा सके। आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं, जिसमें से बहुत ये चीजें जो है वो ऐसी हैं जो आप घर में कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि ये सारी चीजों को करें और अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखें, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो जरूर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके मिलें और उनसे अपनी समस्याएं बताएं। तो ये सारी चीजें तो हो गई हमारी। अब एक और जो क्वेश्चन है जो डॉक्टर रॉबिन ने बताया कि इनसे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं या मिलते हैं तो पूछते हैं, वो ये कि आजकल क्योंकि वैक्सीन जो है वो आ गई है मार्केट में, वैक्सीन लगाने के लिए सबको बोला जा रहा है, तो लोग इनसे पूछते हैं कि आप जो हम साइकेट्रिक कंडीशन, अगर हम किसी साइकेट्रिक मेडिसिन खा रहे हैं तो हमको वैक्सीन जो है कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीन आई है वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है, तो इसका एक ही जवाब है, जी हाँ बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है। दोनों कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से आप भले आप कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लिए या कोई भी मानसिक प्रॉब्लम के लिए आप दवाएं पे हो, वैक्सीन 100% सेफ है। जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो ये कि अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो एक बार वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, वरना ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है दवाइयों के साथ वैक्सीन का। हाँ भले आप अगर आपको फीवर आता है बहुत ज़्यादा वैक्सीन के बाद, तो 1 या 2 दिन के लिए आप दवाई बंद कर सकते हैं, अदरवाइज वैक्सीन इज 100% सेफ। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जाके वैक्सीन लगवाइए। जो जो बातें डॉक्टर रॉबिन ने बताई है उन चीज़ों को ध्यान से फॉलो करिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, डॉक्टर रॉबिन जो है वो जरूर हमें उसका जवाब देंगे। थैंक यू डॉक्टर रॉबिन हमारे चैनल पे आने के लिए और हमें इतनी सारी चीजें बताने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।